हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? इस चैनल में आपका स्वागत है। मैं महेंद्र। दोस्तों, आज हम बताएंगे कि किसी रेजिडेंशियल बिल्डिंग हो या बड़ा टावर हो या कोई भी हो, रेजिडेंशियल सिर्फ उसका नेचर होना चाहिए, तो उसमें जो ओवरहेड टैंक हमारा होगा वो ओवरहेड टैंक कितने लीटर का होगा, यानी कि उसकी कैपेसिटी कितने लीटर की होनी चाहिए उन लोगों के हिसाब से जो उस टावर में लोग रहेंगे टोटल, ताकि उनकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल हो जाए, डोमेस्टिक और नॉन डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट। तो आज हमारा टॉपिक ये है। तो इसके लिए आप देख रहे हैं कि आज टुडेज टेक टॉक ऑन हाउ वी कैन कैलकुलेट द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर पर डे एंड द साइज डिज़ाइन ऑफ ओवरहेड स्टोरेज टैंक फॉर एनी रेजिडेंशियल बिल्डिंग। तो ये निकालने के लिए कि टैंक की कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, कितने लीटर पानी की होनी चाहिए और कितने लीटर पानी से उस बिल्डिंग में रह रहे सभी लोगों की ज़रूरत, डोमेस्टिक और नॉन डोमेस्टिक ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी, इसके लिए हमें जो बेसिक डाटा की ज़रूरत होती है, तो सबसे पहले वहाँ से स्टार्ट करते हैं। आइए, तो जो हमें रिक्वायर्ड डाटा है उसके लिए सबसे पहले हमें जानना होता है कि टाइप ऑफ फ्लैट इन बिल्डिंग, जो बिल्डिंग है वो उसमें फ्लैट किस टाइप के हैं। वो स्टूडियो फ्लैट हो सकते हैं या EWS फ्लैट हो सकते हैं, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनके लिए। वन बेडरूम हो सकते हैं, टू बेडरूम के हो सकते हैं, थ्री बेडरूम हो सकते हैं, फोर बेडरूम एंड अबव हो सकते हैं। तो इनमें से कौन से फ्लैट हैं, एक तो ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। दूसरा, इनके जो फ्लैट हैं उनमें जो एस्टिमेटेड पॉपुलेशन है, यानी कि जो कैलकुलेशन में कंसिडर की जाएगी वो कितनी कितनी कंसिडर है। जैसे स्टूडियो फ्लैट में दो, यानी कि स्टूडियो फ्लैट के अंदर में दो लोग रहेंगे, दो लोगों को आधार मान के कैलकुलेशन की जाएगी, ये इसका मतलब है। EWS में चार लोगों को आधार माना जाएगा, वन बेडरूम में भी चार लोगों को, टू बेडरूम में पाँच लोगों को, फिर थ्री बेडरूम में छः लोगों को और फोर बेडरूम में सात लोगों को। और दोस्तों, इसके अंदर में जो भी सर्वेंट्स वगैरह है, जो भी लोग रखते हैं अपने पास में, वो इसके अंदर में इंक्लूड है, उनके लिए कोई कैलकुलेशन अलग से नहीं होनी है। ठीक है, एक तो ये क्लियर हो गया दो चीज़ें। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमें है रिक्वायर्ड वाटर पर पर्सन। अब पर पर्सन में दो चीज़ें और हैं। पर पर्सन को ही पर हेड है, पर हेड कहा गया है, और उसी को पर कैपिटा कहा जाता है। पर पर्सन, पर हेड, पर कैपिटा, ये तीनों एक ही चीज़ है। तो रिक्वायर्ड वाटर पर पर्सन और पर डे, यानी कि एक आदमी को रोज़ाना। तो रिक्वायर्ड वाटर पर पर्सन पर डे फॉर डोमेस्टिक एंड नॉन डोमेस्टिक पर्पज, डोमेस्टिक और नॉन डोमेस्टिक दोनों, यानी कि कम्युनिटी बेस पे ये क्वांटिटी है 100 to 135 लीटर, LPHD, यानी कि लीटर पर हेड पर डे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम कंसिडर कर रहे हैं, अभी जो हम एग्जांपल यहाँ पर दे रहे हैं, इसमें यहाँ पर हम 135 लीटर यानी कि जो मैक्सिमम क्वांटिटी है उसे कंसिडर करके चल रहे हैं। आपको और किसी चीज़ पर डाउट हो या किसी चीज़ की और आपको लग रहा हो कि हाँ वो क्लियर और होना चाहिए, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डाल दें, मैं कोशिश करूँगा कि उसकी रिप्लाई जल्दी से जल्दी कर दो। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पर क्या है कि कैलकुलेशन ईजी करने के लिए, ताकि डोमेस्टिक और नॉन डोमेस्टिक की जो क्वांटिटी है वो सेपरेट निकालने के लिए, इसको कैलकुलेशन ईजी करने के लिए इसको बाइफरकेट कर दिया गया है 135 लीटर को, यानी कि 135 का 67% डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए कंसिडर किया गया है और 33% नॉन डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए कंसिडर किया गया है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखने की चीज़ है, यानी कि ईजी कैलकुलेशन के लिए 135 का 67% डोमेस्टिक और 33% नॉन डोमेस्टिक के लिए कंसिडर किया गया है। अब इसमें जो हमें अगली चीज़ की जो हमें ज़रूरत है वो है कि बिल्डिंग में कितने फ्लोर हैं। फ्लोर इन बिल्डिंग, यहाँ पर हमने एज्यूम कर रखा है कि इसमें 20 फ्लोर हैं। फिर है फ्लैट इन ईच फ्लोर, यानी कि हर प्रत्येक फ्लोर में कितने फ्लैट हैं। तो हमने यहाँ भी एज्यूम कर रखा है कि हर फ्लोर पर पाँच फ्लैट हैं। अब वो पांच फ्लैट किस टाइप के हैं, फिर है टाइप ऑफ फ्लैट, यानी कि वो हैं, हमने यहाँ जूम कर रखा है कि थ्री बेडरूम के फ्लैट हैं टोटल, नीचे से लेके ऊपर तक बीसों फ्लोर में। ठीक है दोस्तों, अब इतनी चीज़ें पता होने के बाद अब हम करेंगे कैलकुलेशन फॉर पॉपुलेशन। तो यहाँ पर कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी इस बिल्डिंग में जिसके लिए हम अभी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसको करने के लिए नंबर ऑफ़ फ्लैट, जो जो भी डाटा चाहिए, देखिए क्लियर है, नंबर ऑफ़ फ्लैट ईच फ्लोर वन,
नंबर ऑफ टोटल फ्लोर इन बिल्डिंग 2, एस्टिमेटेड पर्सन पर फ्लैट 3, टोटल पॉपुलेशन इन बिल्डिंग 4, 4 इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 3, 1, 2, 3, यानी कि 4 निकालने के लिए, यानी कि टोटल पॉपुलेशन निकालने के लिए 1, 2, 3 जो तीनों डाटा है इनको आपस में मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे कि नंबर ऑफ़ फ्लैट कितने थे 5, नंबर ऑफ़ टोटल फ्लोर बिल्डिंग में कितने थे 20, एस्टिमेटेड पर्सन पर फ्लैट कितने हैं 6, तो इनको तीनों को गुणा कर दिया हमने तो आ गया 600 लोग, यानी कि उस बिल्डिंग में 600 लोग आ गए। अब इन 600 लोगों को प्रतिदिन कितने लीटर पानी चाहिए, ठीक है जी। अब जो हमारा क्वेश्चन था हम उसके आखिरी पड़ाव पर हैं। तो दोस्तों पर्पज़ ऑफ़ यूज, सबसे पहले पर्पज़ ऑफ़ यूज़ में है हमारा डोमेस्टिक पर्पज़ और नॉन डोमेस्टिक पर्पज़, ये दोनों इसलिए रखे क्योंकि जो भी हमारा अभी हम वाटर निकालेंगे रिक्वायर्ड क्वांटिटी, तो 135 इन दोनों को बाइफरकेट करना होगा, इसीलिए हमने अलग अलग रखे हैं। तो 600 लोग हैं हमारे, 135 लीटर की है पर डे की उनकी रिक्वायरमेंट, तो 67 डोमेस्टिक, 33 नॉन डोमेस्टिक। तो दोस्तों ये आ गया 54,270 और 26,730 लीटर। अब हम क्या करते हैं कि ओएसटी की क्वांटिटी को आधी कर देते हैं ताकि टैंक का साइज़ बहुत बड़ा ना हो जाए, सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। तो इसको जो 54 है इसको हमने राउंड ऑफ में 30,000 लीटर पकड़ा है, और जो 26,000 का था उसे हमने 15,000 लिया हुआ है राउंड ऑफ। यहाँ लिख भी दिया डोमेस्टिक पर्पज़ 50%, नॉन डोमेस्टिक भी 50%, बट कंसिडर किया गया है राउंड ऑफ क्वान्टिटी 28 का 30 और 14 का 15। हमने जो टैंक है, टैंक का साइज़ हमने कर रखा है कि 6 मीटर लंबा हो, 2.5 मीटर चौड़ा हो और 2 मीटर ऊंचा हो, यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये तीनों को निकालते हैं तो इसका जो वॉल्यूम है वो 30 क्यूबिक मीटर का आ जाता है, यानी कि 1 क्यूबिक मीटर में 1,000 लीटर पानी, तो 30 में 30,000 लीटर पानी आ गया। तो ऐसे ही ये है, 4 मीटर लंबा, 2.5 मीटर चौड़ा, 1.5 मीटर ऊँचा, तो इसका वॉल्यूम 15 क्यूबिक मीटर है, तो 1 क्यूबिक मीटर में 1,000 लीटर पानी, ऐसे ही 15 में 15,000 लीटर पानी ही आ गया दोस्तों। तो मुझे आशा है कि ये आपको कम्प्लीटली समझ में आ गया होगा, और कहीं पर भी कोई कन्फ्यूज़न आपको हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख दें, मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी ही उसकी रिप्लाई कर दूँ। और इसमें कई चीज़ें हैं, जैसे कि अगर आपको शीट भी चाहिए हो तो आप मुझे मेल कर दें, नीचे मेल आईडी दी हुई है, मैं आपको शीट भी भेज दूँगा। कोई भी कन्फ्यूज़न हो आप नीचे कमेंट कर दें प्लीज़। तो मुझे उम्मीद है अब सब कुछ क्लियर हो गया है, और आपसे रिक्वेस्ट है अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।